हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एच एफ ब्लॉग्स। और आज जो है वो सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो है वो चैरू ने बड़ा मुझे तंग किया हुआ। चैरू को मैंने खोला है कि वो वॉशरूम करे और उसने कमरे में वॉशरूम कर दिया है, तो इसकी पिटाई हो रही है। और ये देखें वो कैसे छुपी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। क्यों छुपी हुई हो, क्यों छुपी हुई हो, डर रही है। मैंने इसकी आज पिटाई की है क्योंकि इसने आज कमरे में वॉशरूम किया है, जम के पिटाई हुई है इसकी। और मार खानी है, देख सकते हैं आप लोग किस तरह ये छुपी हुई है। मार खानी है, सब्र कर जाओ, मैं तुम्हारा अंजाम बुरा करती हूँ। आप लोग गाइस इसको बचाने की कोशिश मत कीजिएगा, इसने बहुत सताया हुआ है हम लोगों को। इसको ज़रा पिटाई नहीं हुई ना इतने दिन से, करोगी अब? इसकी मासूम शक्ल पे मत जाए कोई भी, ये है बहुत शातिर। सब्र करो, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कि मैंने इसके लिए कौन सा डंडा जो है वो रखा हुआ है, उससे इसकी पिटाइयाँ मैं ना खूब कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्केल है और इसकी पिटाई हो रही है इससे। ये देखें जी, पर्दे के पीछे ये बैठी हुई है। कौन है ये? ये महारानी साहिबा जो है वो जम के बैठ चुकी हैं, बाहर नहीं आ रही हैं। और हमने और जानवर को भी खोलना है और सबके साथ ये पंगे लेती हैं, इनको किसी जानवर के साथ नहीं खोल सकते। क्या हो गया, क्यों बैठी हुई चुप कर, डंडा पड़ा इसलिए? तरस आ रहा है आप सबको इसके ऊपर, मुझे भी तरस आने लग गया। चैरू मतदान राजा, आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ टॉय से खेलें, आ जाओ, आओ खेलें टॉय से। ये देखो आपका टॉय, क्यों नहीं खेल रही, क्यों नहीं खेल रही है, क्यों नहीं खेल रही? नाराज हो गई है लग रहा है, नाराज हो गई हो, नाराज तो मुझे होना चाहिए, तुम क्यों नाराज हुई हो? ये हमारा मिट्टू खुला हुआ है, सुबह के शो में जाना शुरू कर देता है, इसके भी पिटाई होने वाली हो रही है। कि नाश्ता हम कर चुके हैं, लेट ब्लॉग स्टार्ट किया वरना आपको नाश्ता जरूर दिखाती। और यहाँ पे चैरू का हाल आप देख सकते हैं, स्टिल वहीं पे ही है ये, तो पता चलेगा ना अभी मैं इसकी खैर मनाऊंगी जब। ये देखें जी इसके हालात, ये वहाँ छुप के जाके बैठ जाती, ये देखें वो आपको नजर आ रही है ना, वो बैठी हुई है। इसको मैं वॉशरूम में बंद करूंगी, अभी बुरा होगा इसका अंजाम। वो छुपी हुई है, होगा कि चैरू जो है वो, अब हमने उसको चैरू को जो है वो पिंजरे में बंद कर दिया है। ये देखिए मिली खुल चुकी है, यहाँ बैठी हुई है, ये हमेशा किचन के बाहर ही बैठी रहती है, किचन है और ये किचन के बाहर बैठी रहती है। और अब हम देखते हैं कि ब्रेवो कहाँ है, चले देखिए। हमने ब्रेवो को जो है वो बंद किया हुआ है पट्टे से, तो वो यहाँ बैठ गया आकर। ब्रेवो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चैरू कहाँ है, चैरू की शरारतें अब खत्म हो चुकी हैं, गुस्सा खत्म हो चुका है, अब हमने उसको ये देखें ये चैरू की शरारतें खत्म हो गई हैं। चैरू और देखें आप इसका कीमा और चावल वैसे के वैसे ही रखे हुए, ये खाना खाती नहीं है, छुपाती है। अब ये मुझे कह रही है कि मुझे खोलो, सुबह इसको डंडे पड़े हैं फिर भी ये इसको कोई असर नहीं है, छुप गई थी जाकर। आप लोग प्लीज़ लूना के लिए दुआ करें, क्योंकि लूना को जो है वो मेज हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए दुआ करें कि वो सही हो जाए। अभी उसको इंजेक्शन लग रहे हैं, मैं आपको लूना को दिखाती हूँ। ये देखें लूना अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, लेकिन यहाँ से देखें इसके बाल उतर चुके हैं, ये देखें कितनी बुरी हालत है इसके लिए की। आप इसके लिए दुआ करें। ये देखें मिली कैसे बैठी हुई है, मिली है हमारे जो खाना है वो रेडी हो चुका है। ये है पालक बॉयल राइस, देखें किचन में आ गई है मुझे देखने के लिए, देखें तोते को हमारे। सो गाइस अब हम खाना खाने लगे हैं, और आपने देखा होगा छोटा सा चैरू का व्लॉग, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा चैरू का व्लॉग पसंद आया होगा और चैरू भी पसंद आई होगी। कमेंट्स करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज हैप्पी फैमिली व्लॉग विद पेट्स।